रैली को संबोधित करते हुए सीएम हुड्डा ने इनेलो पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इनेलो अपने स्वार्थ में स्वर्गीय देवीलाल के साल में दो बार जन्मदिन मना रही है। सीएम हुड्डा ने कहा कि इनेलो सुप्रीमो रोजगार देने के लिए नहीं बल्कि गलत तरीके से रोजगार देने के लिए जेल में गए हैं। सीएम हुड्डा के अलावा रामकिशन फौजी ने भी रैली को संबोधित किया। अपने सीएम हुड्डा लगातार पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जनता पर इसका क्या कुछ असर हुआ है इसका 19 तारीख को चुनाव नतीजों में पता चलेगा। एवं